नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं लोगों के बीच रियल फैक्ट जानने के लिए डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा का। बात करते हैं सीधा लेडीज से, जो जिनके बारे में काफ़ी न्यूज़ हेडलाइंस बन बनकर दिखाई गई थी। आज हम उन लेडीज से बात करेंगे कि लेडीज़ का आज क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के लिए, बाबा राम रीम जी के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता इंसा। क्या काम करते हो आप? मैं मैम हाउस वाइफ हूँ और मैंने एक शॉप की हुई है ब्यूटिशियन की। जी मैम, आप एक लेडीज़ हो, क्या कहना चाहोगे डेरा सच्चा सौदा के लिए? अच्छा, डेरा सच्चा सौदा सचता सच है और सच ही रहेगा। हम यहाँ पे करीब 27 सालों से जुड़े हुए हैं। तब मैं स्टार्टिंग में जब डेरे में आती थी तो मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते थे किराए के लिए, और आज मालिक ने वहाँ पहुँचा दिया कि मैं पूरी गाड़ी करके भी, 10 गाड़ी करके भी ला सकती हूँ। मैम, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाबा राम रहीम जी के बारे में या डेरा सच्चा सौदा के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया, खासकर महिलाओं की बात करें तो। आप भी एक महिला हो, आप क्या कहोगे, क्या है रियलिटी क्या है? ये सब झूठ है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल एक अपनी फैमिली में नहीं है जितना यहाँ डेरे में आके है। मैं अपनी बेटियों को लेके भी आती हूँ, सेवा में भी जाते हैं, सिरसा जाते हैं, एक एक हफ्ते के लिए भी हम रुके हैं वहाँ पे। और साल में मेरे बच्चों का सपना रहता है कि डेरा जाएंगे, मम्मी छुट्टियों में सिरसा चलेंगे। तो बहुत अच्छा है यहाँ, कोई हम ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है और आज भी करिश्मे हो रहे हैं उनके, आज भी जो हम जायज़ मांग पूरी करते हैं तुरंत पूरी होती है। किस तरह से आप कह रहे हो लाइफ में चेंज आया, किस तरह से चेंज आता है यहाँ से यहाँ आने के बाद? वैसे तो हम लोग पहले भी बहुत सही दिशा में ही चल रहे थे, बाकी पिताजी से मिलके हमें और ज्ञान हुआ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरा बेटा है, अभी 12th की है उसने, तो वो भी छोटा था तब से, अगर वो कहीं मार्केट जाता था और अगर कोई उसको पैसे ज़्यादा दे देता गिन के तो तुरंत वो वापस करने जाता था। ये सब पिताजी की मेहर से ही है, उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए है। एक तरफ गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं और आपने बोला लड़कियां भी सुरक्षित हैं यहाँ पे, दूसरी तरफ इतना कुछ दिखाया गया, क्यों किया गया ऐसा, क्यों लगता है आपको भी गलत दिखाया गया? ये तो दिखाने वालों को पता होगा, बुरे लोग अच्छे लोगों से चिढ़ते हैं और बुराई ख़त्म हो रही है तो बुरे लोगों को लगता है कि अब हमारी तो दुकान बंद हो रही है, अब क्या होगा। वो अपने बिजनेस के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी हम तो जुड़े हुए थे और मरते दम तक जुड़े रहेंगे। क्या आपको लगता है समाज को ज़रूरत है आज गुरुजी की? बिल्कुल ज़रूरत है, पिताजी की बहुत ज़रूरत है समाज को, और आज भी उन्हीं के वचनों पे चल रहे हैं और हमारे पिताजी जल्द से जल्द आएँ और सभी को दर्शन दे, हमारी बहुत इच्छा है। थैंक यू सो मच। ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह जी इंसा का, जो लोग अपना एक्सपीरियंस लगातार आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग सोचिए, जो वहाँ जाने वाली लेडीज़ हैं वो क्या बात रख रही हैं, आखिर ऐसा क्यों किया गया कि वहाँ के बारे में इस तरह की बातें दिखाई गई जो वहाँ जाने वाली लेडीज़ बिल्कुल नकारती हैं। आप लोग खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए और अपनी राय ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।